नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो यूपी ट्रिपल एससी सोने के बाद जग चुकी है और इन्होंने रिजल्ट दे दिया है 2019 का, जो परीक्षा था वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसमें चयन हुए हैं उन सभी को परीक्षा प्लस टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी मैं एक और अनुरोध आप सभी से करना चाहता हूं कि आप जिस ग्रेड पे चयनित हुए हैं, अगर उस ग्रेड पे से संबंधित आप किसी भी के डीवी जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अपने छोटे भाइयों अपने मित्रों के लिए वो डीवी स्किप कर सकते हैं, वो एग्जाम स्किप कर सकते हैं। ये मेरा एक अनुरोध है ताकि आपके घर में जैसे आज एक नौकरी मिली है सरकारी, क्योंकि एक नौकरी की कीमत आपसे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता, ऐसे ही किसी और चाहने वालों को वो नौकरी मिल सकती है। तो टोटल अगर हम बात करें कि यहाँ पे वन जीव रक्षक और वन रक्षक के जो पद थे वो आपके टोटल 596 वन रक्षक के थे, वन जीव रक्षक के 59 थे। 655 पर ये विज्ञापन जारी किया गया था और अंतिम परिणाम में अगर हम यहां पर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा कि यहां लिखा है कि 596 पदों के सापेक्ष में 592 अभ्यर्थी, वन जीव रक्षक 59 पदों के सापेक्ष में 55 अभ्यर्थियों के, अर्थात कुल 655 पदों के सापेक्ष में 647 अभ्यर्थी का अंतिम चयन परिणाम एवं तत्संबंधी कट ऑफ अंक को यहां पर आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो टोटल 655 में से 647 लोगों का यह सूची जारी किया गया है। यहां पर जो लिस्ट आई है 647 का आया है, बाकी लोगों का यहां पर जो आपके बच गए, आपके 55 थे, तो यहां आप 538 लोगों की अगर बात किया जाए वो शायद या तो सीट खाली हो गई या उतने लोग डीवी में पहुंचे नहीं होंगे, ये हो सकता है। अब वो तो डिटेल इसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जो होंगे वो तो 647 वालों की अगर बात करें वन रक्षक में, यूआर के 311 थे, चयनित आपके टोटल 311 हुए हैं। वन जीव रक्षक रिक्त पद 40 थे, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 40 है। यहां 83 थे, 83 आपके हुए हैं। 11 से तो 7 ही सेलेक्ट हुए हैं एसटी में से 11 पद में से। तो जो आपके पद खाली हैं, यहां आप देखिए पद यहां पर खाली हो गया, 132 में 132 सेलेक्ट, ईडब्ल्यूएस के ईडब्ल्यूएस पूरे सेलेक्ट, टोटल 596 में से 592 यहां सेलेक्ट हुए हैं। और अगर हम बात करें वन जीव रक्षक की, तो यहां 40 में 40 सेलेक्ट हुए हैं यूआर के, एससी के 10 में से 7 सेलेक्ट हुए हैं, 3 यहां पर आपके नहीं सेलेक्ट हुए हैं, 2 में से 1 सेलेक्ट हुए, 1 नहीं सेलेक्ट हुआ है, ये पूरे सेलेक्ट हुए, ये पूरे सेलेक्ट हुए, और यहां पर आपके 4 टोटल अगर हम बात करें तो 59 में से 4 लोग यहां पर नहीं सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यही आपके जो नहीं सेलेक्ट हुए वहां पर बता दिया कि किस कैटेगरी के, आप जनरल देख रहे हो, ओबीसी देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस देख रहे हो, इन सभी के कैंडिडेट आपके सेलेक्टेड है। जो आपके हैं वो आपके यहाँ एससी में देख रहे हो और एसटी में देख रहे हैं, वही आपके सेलेक्टेड नहीं। अब इनका कारण जो भी रहा हो तो वो ध्यान दीजिएगा। बाकी 36 आरक्षण के हिसाब से यहाँ 11 में से 2 लोग मिले हैं, 119 में से 119 पूरी फीमेल सेलेक्टेड है, 29 में से 29 लोग सेलेक्ट हैं। यहां पर अगर बात करें वन जीव रक्षक में, एक पद था पूरे लोग सेलेक्ट हो गए, यहां भी पूरे हो गए, इनमें 2 में से सिर्फ 1 लोग मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कट ऑफ की बात करें, बाकी सब वही लिखा है, रोल नंबर दिया है, जितने भी चयनित छात्र हैं इन सभी लोगों का रोल नंबर दे दिया। लास्ट में हम बता दें कि फाइनल आपकी कट ऑफ क्या गई है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां फाइनल आपकी जो कट ऑफ लगी है सिलेक्शन की वो क्या लगी है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक जो है वो 150.25 है ना एग्जाम में। और यहां पर अगर देखिए अनुसूचित जाति की आपके यूआर की है, रिजर्व की, अनुसूचित जाति की आपकी 134 है, अनुसूचित जनजाति की 122 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 148 है, ये वन रक्षक का है जिसमें सबसे ज्यादा पद थे। ठीक, और डीओपी भी दे दिया है 3/4/2016-98। ये जो आपके, क्योंकि जब एक मार्क्स होते हैं तो डीओपी को प्रिफरेंस दिया जाता है, तो जो उसमें लास्ट स्टेज पे रहता है उसी को लिया जाता है, अगर एक ही मार्क्स पे सब रहते हैं तो, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए डीओबी दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, यहां पर आर्थिक ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है वो 141 गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ गया है वो 148 गया है। ठीक है, तो जनरल से बहुत कम, 2 नंबर कम आपका सिर्फ किसका, ओबीसी का है। हाँ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहां पर आपको जनरल की अपेक्षा कम देखने को मिली है और ओबीसी की अपेक्षा भी कम देखने को मिली है।
तो यहां पर उसके बाद से 36 आरक्षण में देखा जाए तो जो आपके स्वतंत्रता सेनानी है इनके अगर बात किया जाए तो 135 गया है कट ऑफ, और महिलाओं की अगर बात किया जाए तो 139 गया है, और भूतपूर्व सैनिक की बात किया जाए यहां पर तो 100 गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे आश्रित वालों का 135 गया है। तो ये आपके कहीं ना कहीं 36 जो आरक्षण है उनमें जो सिलेक्शन हुआ उनका कट ऑफ दिया है। अब वन जीव रक्षक जो 59 पद थे उसके लिए अनारक्षित यूआर का जो गया है वो 149 गया है, अनुसूचित जाति का जो गया है 134 गया, अनुसूचित जनजाति का 121 गया है, और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित सभी दो पदों पर इस श्रेणी के 36 आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी समायोजित हैं। ये ध्यान रखिएगा यहां पर यहां पर बोला है कि जितने भी आरक्षित सभी दो पदों पर इस श्रेणी के 36 आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थी समायोजित हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 141.25। तो मतलब जो यहां पर अगर 36 आरक्षण की बात किया जाए ओबीसी में, यहां पे जो है ना बेसिकली वही लोग आपके आए हैं, इसीलिए यहां पर दिया गया। विकलांगों का कोई भी पद नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित वालों पे 146 ये है, महिलाओं का 139 यहां पर गया है, और भूतपूर्व सैनिक 99.25 गया है। ठीक है, तो इसे 36 वाला ही ओबीसी वाले में आपका आ गया है, इस वजह से उसका नहीं दिया गया। तो ये आपके कट ऑफ रहे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आप लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और मेरा जो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेम ग्रेड पे की नौकरी पर कहीं भी डीवी या कोई फॉर्म भर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उसे स्किप करिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक जॉब मिल चुकी है, और आप अपने मित्रों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, उनके घर में भी कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी आ जाए उसके लिए आप जो भी आपका योगदान हो सके, अगर आप नहीं जाते हैं तो इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं, बस मेरा यही कहना है। बाकी जब भी चयनित विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।